Hey guys, welcome back to Arzu Vlog. I hope you all are doing well. तो शादी सीज़न आने को है और मैं शादी का नाम सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ क्योंकि मेरे घर में भी शादी है तो आ, मैं सोचती हूँ कि मैं किस तरह के कपड़े पहनूँ पहले से ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं किस तरह का मेकअप करूँ मेकअप के साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा स्किन केयर करना स्किन को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हमारी स्किन हेल्दी होगी तो ऑटोमेटिक हमारा जो मेकअप होगा वो बहुत अच्छा होगा तो इस वेडिंग सीज़न मैं एक होम रेमेडीज़ लेके आई हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा होम रेमेडी है ये आपकी स्किन को डिटेन करेगा मॉइस्चराइज करेगा हाइड्रेट रखेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को ब्राइट करेगा ये सेवन डे चैलेंज है आप सेवन डेज़ को यूज़ करके देखो बहुत अच्छा है ये एंड आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है हमेशा तो ये वैसे भी विटामिन सी से जो मेरा मेन सोर्स है वो विटामिन सी का मैं उस इंग्रेडिएंट का यूज़ करने वाली हूँ तो ये बहुत अच्छा होम रेमेडी है ज़रूर आप ट्राई करना सो so गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ जल्दी से आके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पर बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन यू ही मिलते रहें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेट स्टार्ट जो मेरा पहला इंग्रेडिएंट है मैं यूज करने वाली हूँ वो है ऑरेंज पील पाउडर एंड ये मैंने खुद से घर पे बनाया हुआ है मैं जनरली घर पे ही चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ तो ये ऑर्गेनिक है टोटली एंड इसको मैंने जस्ट उसका पील जो होता है उसको मैंने ड्राई किया उसके बाद उसको ग्राइंड किया और ये अप टू सिक्स मंथ चलता है बहुत अच्छी प्रेगनेंस रहती है इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है क्योंकि इसको हम खुद से घर पे बना रहे होते हैं तो ये वाइटमिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और इसमें एकदम नेचुरल रहता है ये हमारी स्किन को ग्लो देता है हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है मॉइस्चराइज रखता है एकदम और जो हमारा ब्लश का भी काम करता है जो हमारी स्किन डिटेन होगी ऑटोमेटिक हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है एंड ये टाइट हमारी स्किन को टाइट टाइटनिंग का भी काम करता है एंड ये ऑरेंज पील पाउडर हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है तो हम इस मैं इसको एज अ स्क्रब के लिए भी यूज़ करती हूँ उसका वीडियो मैं आगे लाने वाली हूँ कि आप एज अ स्क्रब इसको कैसे यूज़ कर सकते हो और इसको इसके बहुत सारे फेस पैक बनते हैं मैं सब के बारे में की करके आपको बताऊँगी आगे वीडियोज़ में तो आज का जो वीडियो है ये नॉर्मली मैं इसको सिर्फ थ्री मिनट के साथ ही बनाने वाली हूँ जो नॉर्मल हमारे पास अगर टाइम नहीं होता है और हमें अगर जल्दी जल्दी कुछ होम मेड फेस पैक बनाना है तो ये घर पे जो तीन इम्पॉर्टेंट हमारे जो घर पे अवेलेबल चीज़ें होती है मैं उसके संग बनाने वाली हूँ एंड ये वाला जो पील पाउडर है ये आप एमज़ोन से भी ले सकते हो अगर आप घर पर नहीं बना पा रहे हो तो अब मेरा ये मैंने पेस्ट ले तीनों चीज़ अपनी ले ली है सबसे पहले मैं ऑरेंज पील पाउडर की आपको बात करूंगी ये मेरा ऑरेंज पील पाउडर है उसके बाद ये मैंने ग्राम फ्लोर लिया हुआ है मिल्क भी मैंने लिया हुआ है तो मैं दो चम्मच अपना ये ऑरेंज पील पाउडर डालूंगी एक बाउल में एंड उसके बाद मैं इसमें ग्राम फ्लोर ऐड करूँगी जिसको बेसन कहते हैं तो ये मैंने बेसन भी अपना एक, एक से डेढ़ चम्मच बेसन डाल दिया है अब इसमें मैं धीरे धीरे मिल्क ऐड करूँगी और मैं इसका एक थिक पेस्ट बनाऊँगी इसकी कंसिस्टेंसी मैं रखूँगी और इस तरीके से आप मिल्क ऐड करते रहिए धीरे धीरे और इसकी कंसिस्टेंसी आप ये देखिए इस तरीके से ही होनी चाहिए तो चलिए मैं लगा के बताती हूँ आपको तो गाइस मैंने अपना एकदम फेस क्लीन कर लिया ना जो बनाया हुआ फेस पैक है वो मैं लगाती हूँ एंड मैं आपको अप्लाई करती हूँ और इसको मैक्सिमम आप मिनिमम आपको पंद्रह मिनट रखना है एंड पंद्रह मिनट से बीस मिनट तक आप रखिए उसके बाद आप इसको वॉश कर लीजिए तो चलिए मैं इसको लगाती हूँ अप्लाई करती हूँ उसके बाद मैं आपको धोने के बाद इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँ मैंने ये अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे मैंने नेक वाला एरिया भी कवर किया हुआ है मैंने सारा जगह कवर, कवर किया हुआ है कवर किया हुआ है एंड यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये थोड़ा दानेदार है और इसका क्योंकि जो हमारा संतरे का जो ऑरेंज का जो पील होता है पाउडर वो थोड़ा सा दानेदार फॉर्म में होता है लेकिन ये मैंने इसलिए भी किया हुआ है ताकि मैं जब इसको रिमूव करूँगी तो मैं थोड़ा इसका स्क्रबिंग के रूप में थोड़ा स्क्रब भी कर सकूँ तो ये फेस पैक जो मेरा है तो इसको आप थोड़ा बाद में स्क्रब करके अगर आप थोड़ा रिमूव करेंगे तो और अच्छा इफेक्ट आएगा तो इसलिए ये दानेदार जितने भी दिख रहे हैं आप इसमें स्क्रब करिए और अच्छे रिजल्ट के लिए तो चलिए पंद्रह मिनट तक मैं वेट कर दू सो गाइस मैंने अभी अभी अपना फ़ेस वॉश किया है मैंने अपना थोड़ा स्क्रबिंग करके अपना फेस फेस मास्क हटाया है पूरा तो मेरी स्किन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है और मुझे थोड़ा टैनिंग भी कम लग रही है अपने फेस पे तो बहुत सही लग रहा है मुझे बिल्कुल भी रेडनेस वगैरह कुछ भी नहीं आया है एकदम ग्लोइंग स्किन है मेरी एंड थोड़ा थोड़ा ग्लो भी दिख रहा है मुझे तो आप भी इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई कर रहे हैं बहुत इजी है एंड ये इंस्टेंट फेस पैक है पाँच मिनट में बन जाता है पाँच मिनट भी नहीं लगते हैं दो तीन मिनट में बन जाता है एंड पंद्रह मिनट का वेट करना होता है बस उसके बाद इजीली आप उसको धो लो बहुत अच्छा काम करता है एंड इसमें एक्चुअली प्योर ऑर्गेनिक पील पाउडर मिला हुआ है जिसका काम ये पूरा का पूरा ब्लीच uh, का काम भी करता है साथ ही साथ आपको स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला फ़ेस पैक मैं हमेशा इसको प्रेफर करती हूँ जब मुझे कहीं इंस्टेंट जाना होता है या फिर मैं शादी में जाना होता है तो मैं इसको डेफिनेटली प्रेफर करती हूँ मेरी स्किन ग्लो uh, करने लग जाती है मैं कोई भी फेशियल वेशियल नहीं कराती हूँ तो मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ और... सो बाई इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्प फो शेयर दिस वीडियो विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डो नोट फरगर टू लाइक एंड सब्सक्राइ माई चैनल हिट द बेल आइकॉन बटन सिकिगेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट मिलता नेक्स्ट वीडियो में बाय